ओके एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं आपके साथ अपनी प्रेगनेंसी का फर्स्ट अल्ट्रासाउंड शेयर करने जा रही हूँ। ये मैं अपना जो अल्ट्रासाउंड कराने गई थी, मैं फरवरी में कराने के लिए गई थी। ये ट्रांसवजाइनल स्कैन था। तो मेरे को लगता है कि शायद मैंने बहुत बड़ी गलती की है इस अल्ट्रासाउंड को करा के, मुझे नहीं कराना चाहिए था। पहले आप देख लीजिए, फिर मैं बताती हूँ कि मैंने क्या गलती की अपने फर्स्ट अल्ट्रासाउंड में। तो आप देख सकते हो कि ट्रांसवजाइनल है, इसमें यूरिनरी ब्लैडर इज नॉट फुल, जो यूटेरस सीन आ रहा है वो सिंगल वेल डिफाइंड गेस्टेशनल सेक्सिन एंड फंडसेजन, मतलब सिंगल फेटस दिखाई दे रहा है। एम्ब्रियो एंड फेटल हर्ट नॉट सीन एज इट। तो मेरी सबसे बड़ी गलती यही रही है कि इसमें मेरे बेबी की हार्ट बीट ही नहीं आई थी, और मुझे ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि 5 वीक में ये सब नहीं होता है। मेरे को मतलब बहुत ज़्यादा अजीब से तरीके का पेन था, तो मैं इसलिए चली गई थी। इसलिए मेरी मतलब ट्रांसवजाइनल ये हुआ है, अल्ट्रासाउंड हुआ है ये। तो मैं तो आप सबसे यही बोलूँगी कि आप 5th वीक में बिल्कुल भी मत जाना, आप 6th या 7th वीक में हो सके तो अपना अल्ट्रासाउंड कराने के लिए जाना। मेरी गलती की वजह से मुझे इतनी प्रॉब्लम हुई है, क्योंकि मुझे जो अल्ट्रासाउंड कराने के लिए जाना पड़ता था वो 100 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था कम से कम, क्योंकि हमारे नज़दीक में जहाँ पे मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग है उसके नज़दीक में जितने भी रेडियोलॉजिस्ट थे अल्ट्रासाउंड वाले, तो वो ऐसे ही थे, बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं थे। तो मुझे अच्छी सिटी में जाने के लिए 100 किलोमीटर जाना पड़ता था, इसलिए मैं पहले 5th वीक में गई हूँ, उसके बाद मुझे फिर से जाना पड़ा है। 1 महीना बाद गई हूँ मैं, फिर मैं गई ही नहीं थी कि मैं, वैसे तो डॉक्टर ने मुझे 15 दिन के बाद बुलाया था, बट मैं 15 दिन के बाद नहीं गई थी, इतना लंबा सफ़र मैं नहीं कर पा रही थी। तो मैं आप लोगों से यही बोलूँगी कि जो गलती मैंने की है भैया, आप लोग मत करना, 5th वीक में बिल्कुल भी मत जाना, 5th वीक के बाद ही जाना। क्योंकि एक प्रेग्नेंट वूमेन के लिए यही होता है कि जब भी अल्ट्रासाउंड कराने जाए, जब तक उसके बेबी की हार्ट बीट नहीं आती है तो उसके लिए बहुत टेंशन हो जाती है। और मेरे को भी बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई थी कि पता नहीं मेरी बेबी की इसमें हार्ट बीट क्यों नहीं आई है। तो फिर मुझे डॉक्टर ने समझाया कि आप थोड़ा पहले आए हो, एक तो हफ्ता बाद आती है तो आपके मतलब बेबी की हार्ट बीट आ जाती, क्योंकि मैंने उससे पहले कोई डॉक्टर हायर नहीं किया था, ये मेरा फर्स्ट अल्ट्रासाउंड था। मैंने तभी जाके डॉक्टर से मिली थी, अपॉइंटमेंट लिया था। तो बस फिर मैं 1 महीना